गाइस लिटरली यार इतना गुस्सा आता है ना भाई जब माइनस लगता है, वो भी ऐसे मौके पर जब बंदे ने ठीक से लैंडिंग भी ना की हो। खैर आपको मेरे बारे में क्या लगता है मेरा कितना माइनस हुआ होगा ये वाले मैच में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। गाइस आज की वीडियो में अपने बहुत ही खतरनाक से दो मैच रहने वाले हैं बैक टू बैक, इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, आपने मेरी लास्ट वीडियो में इतना अच्छा प्यार दिखाया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए जिसको मैंने रीड करके आप सभी को रिप्लाई भी कर दिया है। मुझे उम्मीद है आप ये वाले वीडियो में भी अच्छा खासा प्यार दिखाओगे अपना। गेम प्ले को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बार वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, हम 12 के सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज हैं, इसीलिए आप अपना एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर 12 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने में मदद कर सकते हैं। अभी गाइस अपना कॉन्क्रेट लॉबी का प्यारा सा मैच स्टार्ट हो चुका है, अभी तक मेरे 3 किल हुए हैं, इसमें से मैंने एक बोट मारा होता है, 2 बंदे रियल मारे होते हैं। यहाँ पर गाइस मेरे पास ठीक से हीलिंग वगैरह का सामान प्रॉपर नहीं होता, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा लूट करने के लिए रुक जाता हूँ। पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा जो कि आपके बहुत ज्यादा रैंक पुश में काम आने वाली चीज है। सबसे पहले तो गाइस आप ये देखो, यहाँ पे एक बंदा ऑफलाइन रहता है इस वाले घर में। अभी ये ऑफलाइन क्यों गया था, मेरे हिसाब से तो ऐसा होगा कि इस बंदे के घर वालों ने कुछ काम बोल दिया होगा और इस बंदे को लगा कि यार जोन है यहाँ पे तो कोई बंदा आने वाला नहीं है, अपना बूस्टर वगैरह फुल करके शायद से चला गया होगा। तो आप ऐसी गलती कभी भी मत किया करो, पहले आप अपना सारा काम कंप्लीट करके एंड देन मैच स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जहाँ पे मैं जिस लोकेशन पर हूँ अभी, यहाँ पे आगे की साइड एक ब्रिज पड़ता है जिसके पहले पेट्रोल पंप पड़ता है, तो आप ये वाले ब्रिज से बहुत ही कम जाया करो क्योंकि यार यहाँ पे ना काफी सारे बंदे कैंप किए रखते हैं, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे लेफ्ट वाले ब्रिज से रोटेशन करके जाता हूँ। और इस वाले ब्रिज से मैं काफी बार मर चुका हूँ, इसीलिए मैं ये वाले ब्रिज से बिल्कुल भी नहीं जाता। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे सामने की साइड से एक बंदा आता हुआ स्पॉट हो जाता है और मैं यहाँ पे आके अपनी बाइक रोक देता हूँ। वो वाले बंदे को मारने के बाद मैं ब्रिज क्रॉस करके ये वाली लोकेशन पर आ जाता हूँ। सामने की साइड 2 बंदों के आपस में फाइट चल रही होती है जिसमें मैं एक बंदे पर थर्ड पार्टी मार के उसको मार देता हूँ। आफ्टर डेट यहाँ पे जोन आ जाता है, इसीलिए मुझे सर्कल में जाने के लिए निकलना पड़ता है। मुझे यहाँ पे सर्कल में जाने की जल्दी होती है, इसीलिए मैं स्मैक वाले बंदे को उल्टा सीधा स्प्रे देकर जल्दी से सर्कल पकड़ता हूँ। फिर मैं इधर लाकर अपनी बग्गी रोक देता हूँ, कितने में पीछे से भी एक बग्गी का साउंड आने लगता है। फिर यहाँ पे वापस से जोन आ जाता है, इसीलिए मैं सर्कल के लिए निकल जाता हूँ। ये गाइस लास्ट का सर्कल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंस फाइट होने वाली है। अभी देखो यहाँ पे 8 बंदे अलाइव है मुझे मिलाकर, अब देखो तुम्हें क्या ही फाइट देखने के लिए मिलेगी। इधर मैं यहाँ पे ड्रॉप पर आता हूँ, यहाँ पे गाइज अपने 8 किल्स हो चुके थे, अभी बारी थी बाकी के 3 बंदों को ढूंढने की। फिर मैं अपनी बग्गी पकड़ता हूँ और सर्कल के लिए निकल जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्मोक करता हूँ क्योंकि ये ओपन एरिया होता है, लेफ्ट और राइट बंदा किधर भी हो सकता है। फिर मैं बंदों को स्पॉट करता हूँ, पता चलता है एक बंदा राइट में होता है एक बंदा लेफ्ट में होता है। सबसे पहले मैं राइट वाले को मारता हूँ, और फिर लेफ्ट वाले की बारी थी। गाइज ये वाले मैच में मेरे को 45 का प्लस मिलता है जो कि एकदम मस्त था मेरे लिए। फिर गाइज मैं सेकंड मैच स्टार्ट करता हूँ। अभी देखो जैसे मैं लैंडिंग करता हूँ यहाँ पे मेरे साथ एक एनिमी और आ जाता है और ये बंदा मेरी ही गाड़ी में गेट इन कर लेता है। गाइज अगर आप भी किसी व्हीकल पर जा रहे हो और उधर और भी एनिमी आ रहे हो तो आप ऐसा रिस्क मत लिया करो क्योंकि वहां पर 90% माइनस के चांस हो जाते हैं, या तो आपके या फिर अगेंस्ट वाले एनिमी के। फिर मैं आगे जाकर इस बंदे को गाड़ी देकर अपना घरों में लूट करने लगता हूँ। फिर मैं ये वाले मैच के स्टार्टिंग में लूट करने के बाद थोड़ा बग्गी पकड़कर किल्स विल्स निकालने के लिए निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे पास टीयर प्रोडक्शन कार्ड होता है ये वाले मैच में, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना ये वाले मैच में थोड़ा अच्छा खासा खेल लूँ मैं पुश करके। अभी देखना गाइज यार यहाँ पे ना ये बंदे दोनों ही मुझे हैकर समझने वाले हैं क्योंकि मैं इन बंदों को इतना ज़्यादा दौड़ाने वाला हूँ ना, इनको अच्छे से लगेगा कि इस बंदे को लोकेशन पता है और ये बंदा हमें ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। अभी देखो आगे आगे
इस बंदे को मारने के बाद मैं तुरंत से बग्घी घुमाता हूँ और पीछे जाने लगता हूँ, क्योंकि पीछे से एक बंदे का साउंड आया था, पर वो बंदा तो मुझे नहीं मिलता। राइट साइड से एक और बग्घी मुझे मिल जाती है। अब इसको देखना मैं कितना ज़्यादा दौड़ाने वाला हूँ। अभी देखो, जिस बंदे को मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूँ वो बंदा टैप टैप कर रहा होता है, पर वो मीटअप के लिए टैप टैप कर रहा होता है, मैं समझ नहीं पाता। पर मुझे फिर ऐसा लगता है कि वो बंदा शायद से बोट होगा, इसीलिए मैं राइट साइड में जो बग्घी वाला है उसके पीछे लग जाता हूँ, लेफ्ट वाले को छोड़ देता हूँ। पर अभी आगे आगे देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा वो बंदा टैप टैप फायरिंग क्यों दे रहा था। इसको मारने के बाद अब चलते हैं उस वाले बंदे पर जो बार बार टैप टैप फायरिंग दे रहा था। अभी गाइस, इस वाले बंदे को देखने के बाद मैंने इसको मारने का पूरा मूड बना लिया था, पर बाद में ये बंदा टीम अप वाला निकलता है। खैर यार, लिटरली मैं इसको मार ही देता यहाँ पे। गाइस वैसे तो मैं इस वाले गेम प्ले को अपलोड करने वाला नहीं था, बट इस बंदे ने बोल दिया कि यार ये वाले गेम प्ले को अपलोड जरूर से करना, तो इसलिए मुझे मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि ये वाले गेम प्ले मेरे किल्स विल्स नहीं हो पाते ज़्यादा अच्छे। पर यहाँ पे देखो सीन क्या होता है, मैं इस बंदे के साथ बात करके बस निकलने ही वाला होता हूँ, कि ये बंदा बोलता है एक बार घर में आके बात करते हैं, इधर ओपन में कहीं से भी गोलियाँ पड़ सकती हैं। अभी जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ इधर से, भाई थर्ड पार्टी देखना कितने सारे बंदे आने वाले हैं इधर पर। मैं आपकी वीडियो में आ सकता हूँ क्या? आपकी वीडियो में आ सकता हूँ मैं? उस कारण में इसलिए मैं आपसे मीटअप किया। गई जब यहाँ पे थर्ड पार्टी वाले एनिमी आ जाते हैं, तो मैं इस मीटअप वाले बंदे को बोलता हूँ, भाई कुछ भी हो जाए तुम फाइटिंग मत करना, मैं अकेला यहाँ पे सब कुछ देख लूंगा, नहीं तो बंदों को लगेगा कि टीम अप करके बंदे किल्स निकाल रहे हैं। अभी देखो गई, सामने वाले घर में एक बंदा होता है, इतने में एक बंदा गाड़ी से हमारे वाले घर पर पुश कर देता है। ये वाली लोकेशन पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे बंदे सेम टाइम पर कैसे पुश करने के लिए आ जाते हैं। अभी देखो यार, बाहर से इतने सारे बंदे मैसेज करते हैं ना रैंक पुश के टाइम पर, कि फोकस ही नहीं रह पाता गेम पर। इन बंदों के पास मेरा इंस्टाग्राम वगैरह सब है और मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है यार, इन गेम मैसेज और इनवाइट ना करके आप उधर बात कर सकते हैं मेरे साथ। मैं फर्स्ट वाले प्लेयर को मार देता हूँ, इतने में सेकंड बंदा भी आके पुश कर देता है, मैं ठीक से हेल्थ भी रिकवर नहीं कर पाता यार, बैक टू बैक पुश करते हैं बंदे, भाई क्या सीन था यार। और ये वाले बंदे की हीलिंग आप देख सकते हो। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।